और फार्म हाउस से सोनाली के इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ बरामद हुए हैं, लेकिन शिवम को लेकर सोनाली के भाई रिंकू ने दावा किया है कि लैपटॉप डीवीआर से छेड़छाड़ हो सकती है। ये रिंकू का दावा है, जो भाई है उनका। गोवा पुलिस ने हमें जांच के लिए नहीं बुलाया, ये भी कहा है। तो सुनिए सोनाली के भाई रिंकू से टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव बातचीत, क्या कुछ कहा है रिंकू ने। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रिंकू जी, शिवम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिस पर आप लोग आरोप लगा रहे थे कि डीवीआर, लैपटॉप और अन्य सामान लेकर फार्म हाउस से भाग गया था। डीवीआर तो फार्म हाउस में ही थी, इधर उधर कर रखी थी, वो मिल गई पुलिस इंक्वायरी के दौरान। और एक फ़ोन और लैपटॉप शिवम से मिला है, और सुधीर के कहने पर ही शिवम यहाँ से वो चीज़ें लेके गया था, और वो उस टाइम घबरा गया था। अच्छा, आप लोगों का आमना सामना करवाएगा शिवम से, आपने कोई बात हुई आपकी? हाँ, वो SHO साहब के सामने ही बातचीत हुई थी, उन्होंने सारी इंक्वायरी की है, बाकी वो काफी डर गया था, ऐसा हमें भी नहीं लग रहा। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, इन्हें देखिए, हजार सुअरों को पाल कर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और पुलिस ने भी अपनी पूरी इंक्वायरी कर ली है, तो वो चीज़ें बरामद हो गई है। तो DVR के हालत में खुर्द-बुर्द किया गया, नष्ट करने का प्रयास किया गया उसको? DVR ठीक है, और फ़ोन और लैपटॉप शिवम से बरामद किए गए हैं, और वो उनको सील करके साइबर में भेज दिया गया है। अगर उनके साथ में कोई छेड़छाड़ हुई है तो उनको दोबारा अरेस्ट। आप लोग सदर थाने आए हैं, गोवा पुलिस के आने की वजह से यहाँ पर पहुँचे हैं, बुलाया गया आपको? नहीं, हमने तो खुद कॉन्टैक्ट किया जी, हमें बुलाया नहीं गया, हम तो लगातार संपर्क में करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। और गोवा के चीफ मिनिस्टर ने सोनाली केस में पूरी जांच का भरोसा दिया है। सावंत ने कहा है कि हमारी टीम जांच के लिए हरियाणा गई है, हम केस की जांच करके सच को सामने लाएंगे। इस केस के इन्वेस्टिगेशन में हमने अपॉइंट किया है, और DYSP लेवल ऑफिसर इस केस की इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और आज हमारे PI और उसके साथ में पूरी टीम हरियाणा रवाना हो चुके हैं, और पूरे अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन इस केस का करेंगे। हमने हरियाणा CM के लिए इसकी केस के पूरी जानकारी जो अपडेट करना था उसका रिपोर्ट पूरा भेज दिया है, और मुझे पूरे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है। हम एक्चुअली ड्रग्स के बारे में हमारे एंटी नार्कोटिक सेल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, मुझे पूरा एक्चुअली हमारे एंटी नार्कोटिक सेल और पुलिस के ऊपर भरोसा है, क्योंकि इस तरह का कोई मामला आगे नहीं जाएगा। हमारे संवाददाता इस पर निगाह बनाए हुए हैं, पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता गुरुग्राम से मौजूद हैं, और हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा, जिनकी बातचीत आपने देखी अभी रिंकू ढाका के साथ, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, तो आपके पास पहले कुछ ऐसा नज़र आ रहा है क्या इस पूरे मामले में जो अभी तक फाइंडिंग सामने आई हैं, जो अभी सामान्य डायरेक्शन जिधर लोगों की सोच जा रही है उससे अलग ले जा सकता है पूरे मामले को? देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये सोसाइटी हो जाती है गुरुग्राम ग्रीन्स, जो कि सेक्टर 102 गुरुग्राम में है। दरअसल सोनाली फोगाट यहीं पर आई थी, सफारी गाड़ी से आई थी अपने, और उसके बाद सफारी गाड़ी उन्होंने अपनी यहीं पर पार्क कर दी थी, और शाम को वो टैक्सी से सुधीर सांगवान के साथ निकली थी, यानी कि गोवा जाने से ठीक पहले वो यहां पहुंची, और उसके बाद इस सोसाइटी से ही टैक्सी के जरिए वो लोग यहां से एयरपोर्ट गए थे। इसलिए ये जगह काफी अहम हो जाती है, और इसीलिए जो गोवा पुलिस है वो कभी भी किसी भी वक्त इस सोसाइटी में आ सकती है। फ्लैट नंबर 901 टावर 4 में वो लोग रहते थे, और 1 जून 2022 को ही यहां पर किराए पर रहने के लिए आए थे सुधीर और सांगवान। किस तरीके से रहते थे, क्या हमेशा रहते थे, बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ RWA प्रेसिडेंट संदीप फोगाट जी भी हैं। संदीप जी, जानना चाहेंगे जो फ्लैट था वो किसने किराए पे लिया था और किसके नाम पे लिया था? सर, फ्लैट को देखने के लिए सोनाली और सुधीर सांगवान दोनों साथ ही आए थे, लेकिन वो रेंट एग्रीमेंट सुधीर ने अपने नाम से बनवाया था, लेकिन रहते दोनों ही थे, तो सोनाली जी जब भी आती थी तो सुधीर साथ ही होता था, और उनके साथ में एक उनका PSO गनमैन और एक ड्राइवर मोस्टली आते थे साथ। तो मतलब लगातार यहाँ पे नहीं रहते थे, आना जाना लगा रहता था दोनों? जी जी जी, वो लगातार, क्योंकि उनको कभी इशार रहती थी, कभी दिल्ली जाती थी वो, तो यहाँ पे वो जब भी दिल्ली के लिए। पुनीत, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ मोहित मल्होत्रा भी जुड़े हुए हैं, यहाँ पे ज्यादा था। पुनीत, हम आपके पास भी आएंगे, हम मोहित के पास जाएंगे, मोहित से हमारा जो कनेक्शन है वो टूट गया है। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, इन्हें देखिए, हजार सुअरों को पाल कर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।